हेलो सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले। हाँ जी, लिया है मैंने जी। सर, ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं। हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे, क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ू तो 15 × 10 = 150। अरे यार, तुम लोग को बोला ना, आप देखो और एक केस होगा हमारी कंपनी के नाम पर। सर संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सकता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर, आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो, नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या कंपनी निकल गई मेरा? अभी आप खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुकी है, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप? सर एग्जांपल तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में होगा ही सरसों। एक बार हो जाएगा, एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं, अरे सर, ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है। ह्यूमन आली बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर? ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लिया ना, आउट बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, ठीक है? नहीं ला लो मुंह। नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं करते रहेंगे तो आपका अब नहीं होगा। नो नो। हेलो, अब मैं उन सकता एक बहुत बड़ी बीमारी है। उन सकता के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू, बोल। ना बखर रखे भा, पंचकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे, उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला रहे। किशमिश के दाने साथ में, थोड़ा सा अदरक पीस ले, मैं जो करने वाला जा रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, तो दिखाई पड़ेगा। बुर्ज खलीफा जाएगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आना धीरे धीरे से मेरे दिल को। अबे हसमत खरी, खैर हो जाएगा। हसमत पगली, समझ में आ गया था, कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं, रेड एफएम 93.5 सर, हम लोग मिलकर के आपका इधर में मुर्गा बना रहे हैं।